पौरी रोड स्थित होटल पर पुलिस की रेड, संदिग्ध अवस्था में मिले युवक युवती। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पौरी रोड स्टेशन के पास एक होटल पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां होटल में कई युवक युवती संदिग्ध हालत में मिले, जिन्हें पुलिस अपने साथ थाने ले आई। होटल संचालक के बयानों का आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बताना होगा कि सिटी कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि तथाकथित होटल पर युवक युवतियों से पैसे लेकर होटल का रूम किराए पर दिया जाता है, जहां होटल में अवैध कार्य करवाए जाते हैं। सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और संदिग्ध हालत में मिले युवक युवतियों से पूछताछ की। साथ ही होटल मालिक को सिटी कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां पर पूछताछ जारी है। आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। एक फौजी होटल करके शिवपुरी में एक होटल संचालित होती है, जिसमें अनलीगल तरीके से कई काम होते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों को 500 पर घंटे के हिसाब से रूम वूम दिया जाता है, जो कि हिंदू व्यवस्था के खिलाफ है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लड़के और लड़की दोनों की आदत ख़राब कर रहे हैं। कल को कोई क्राइम हुआ या लव जिहाद जैसा मैटर हुआ तो क्या पुलिस प्रशासन कौन इसके लिए जिम्मेदार? मुझे इसकी सूचना अपने कुछ गुप्तचरों से मिली और मुझे इस केस की सूचना काफ़ी लंबे समय से थी, तो आज मैं फील्ड में थी तो मैंने इसका इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ गई, तो मुझे मौके पर ये सारी वारदात देखने को मिली, तो मैंने उसका स्ट्रिंग भी किया, बाद बाकी पुलिस को इन्फॉर्म किया और बजरंग दल के भाइयों ने मेरा समर्थन किया। मैंने पुलिस की गाड़ी रोकी। मेरा कहना ये है कि लड़कियों के माँ बाप को बुलाकर उनको उनकी बेटियों के कारनामे बताओ कि वो क्या कर रही हैं, ताकि ऐसे मैटर दोबारा और ना बढ़े। ये लड़कियाँ कराएं, इनके अलावा और कोई लड़कियाँ ऐसा काम ना करें। कोतवाली में आने का कारण था कि हमारी जो कोचिंग में आने वाली बहन बेटियों को मुसलमान लड़के बेला फुसला करके होटलों में ले जाते हैं, और जो होटल संचालक कुछ ना कुछ पैसे लेकर के और वहां देह व्यापार चलाता है, उसके कार्रवाई के लिए हम सब लोग यहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे लोग इकट्ठे हुए और हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं। जो लड़के तीनों मुसलमान हैं और लड़कियाँ तीनों हिंदू हैं, तो इस तरह से क्या है कि ये लव जिहाद का पहला स्तंभ है कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि बेला फुसला करके पैसे का लालच दे करके या कुछ भी करके या उनके धर्म के मजहब के लोग जो भी करते होंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या है कि वो लेके तो गए हैं वहाँ पे, और लड़के मुसलमान ही क्यों, हिंदू लड़के क्यों नहीं हुए? इसका मतलब सनातन धर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रहम है, लेकिन ये लोगों के लिए क्या है कि प्रेरित करता है इनका समाज कि आप इस तरह से हिंदू लड़कियों को बेला फुसलाओ और शादियाँ करो, लव जिहाद के मामले पनपेंगे, इससे हमारी और भी बहन बेटियाँ असुरक्षित हो जाएंगी। इसलिए बहन बेटी की सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि लड़कों पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और होटल संचालक पर कार्रवाई हो। होटल बंद होने चाहिए, इस तरह के होटल कहीं भी चल रहे हैं उनको बंद कराना चाहिए। पुलिस को सब कुछ मामले पुलिस के पास रहते हैं, और उन लड़कियों के माँ बाप को बुला करके उनको समझाइश दी जाए कि वो आएँ और अपनी बेटी को ले जाएँ, लेकिन आज के बाद में इस तरह की हरकत वो ना कर पाएँ, क्योंकि ऐसी इन पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संदेश मिल जाएगा। आने वाली बहन बेटियाँ जो हमारी कोचिंग और चलती हैं, कम से कम उनको डर तो रहेगा, भय तो रहेगा कि पुलिस में ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले ये भी करते हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग भी ये करते हैं कि वो पकड़ते भी हैं और थाने में लाते भी हैं। अरे भाई बालिग हैं, मैं ये कह रहा हूँ, स्वेच्छा से गई तो देह व्यापार करवाएंगे क्या पुलिस वाले और हम लोग? ये समाज फिर किस लिए जिंदा रहेगा? हिंदू समाज को मर जाना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर मुसलमान लड़के देह व्यापार में लिप्त हैं और हमारी हिंदू लड़कियों को बेला फुसला करके होटलों में लेके जा रहे हैं, अगर वो लड़की बाले के स्वेच्छा से फिर शादी क्यों निकल लेते? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, होटल संचालक पर कार्रवाई हो, लड़कों पर कार्रवाई हो, और जो इस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको पुलिस प्रशासन और हम सब हिंदू समाज मिलकर के इसको ख़त्म किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम सुधार तो आ सके आने वाली पीढ़ियों में। हम उग्र आंदोलन करेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेंगे, हम रोड़ों पर आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और पूरा हमारे सकल हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा होगा। अभी ये मामला हुआ है, क्या मामला है ये पूरा? अभी दोपहर में जो एक महिला पत्रकार हैं आरती परिहार, उनने सूचना दी थी कि कुछ होटल जो फौजी होटल चला रहा है उसमें कोई कमरों में लड़के लड़कियां रुके हुए हैं। उसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी, वहाँ दो लड़के दो लड़कियाँ मिली थी हमको, तो उनसे अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, और ये इसके बारे में ये भी एक आवेदन प्राप्त हुआ कि फौजी होटल है वो इस प्रकार का गलत काम करके कमरे देता है, तो अगर वो बिना आईडी के रुकाता है और उसके पास अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें बजरंग दल भी इन्वॉल्व हुआ है, बजरंग दल का आरोप है कि लव जिहाद जैसा कुछ हुआ है वहाँ, उसकी हम जानकारी ले रहे हैं। अभी ऐसा अगर कुछ होगा तो कार्रवाई होगी।